हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के CACS के पोर्टल में फेज टू स्टार्ट होने जा रहा है। फेज टू के अंदर आप लोगों को कॉलेज प्लस अपने प्रोग्राम का नाम मेंशन करना होगा। अब मैं आप लोगों को फेज टू एक बार समझा देता हूं कि है क्या सीन, कि जिस स्टूडेंट ने CACS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया था उस स्टूडेंट की डायरेक्टली अब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा है तो वो फेज टू के दौरान अपने रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करते के साथ ही उसकी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस केस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का आप लोगों के पास कॉलेज प्रेफ्स अपनी कोर्सेज के सिलेक्शन करने का टाइम पीरियड अवेलेबल रहेगा। बिल्कुल भी अभी जल्दबाजी नहीं मचानी, आप लोगों के पास बहुत अच्छा खासा टाइम पीरियड है अपनी चॉइस फिलिंग कर लेने का। लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन किस चीज की आ रही है कि आप लोग दूसरों के प्रेफरेंसेस को अपनी प्रेफरेंसेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे के कोर्स के सजेशन से आप अपना कोर्स थोड़ी चेंज कर दोगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोटिस करा, प्रेफरेंस शीट वगैरह मेरे पास स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, बोल रहे हैं सर मेरे को BA स्टैटिस्टिक्स जो है BSc स्टैटिस्टिक्स से हो रहा है, इसमें भी एडमिशन मिल सकता है, तो मैंने सेकंड नंबर पर ये आ रहा है मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। भाई ऐसा नहीं होता यार, आप अगर आपको कोर्स अलॉट हो जाएगा आप कर लोगे क्या? नहीं करोगे ना। आपको अपने कोर्सेज को अपनी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। कॉलेज में जाने के चक्कर में कोई से भी कोर्स में थोड़ी घुसना है आप लोगों को, माइग्रेशन थोड़ी हो जाएगा, अगले साल कोर्स थोड़ी चेंज हो जाएगा। एक बार ही कोर्स का सिलेक्शन करना होता है हमें अपनी लाइफ के अंदर, और हमें बिल्कुल एग्जैक्ट उसी कॉलेज में जाना है अगर, तो हमें अपनी चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के करनी होगी। बहुत सारे ऑप्शन हमको तभी डालने जब हमारा बहुत लो स्कोर आया है, ठीक है, ये वेरी करता है स्कोर टू स्कोर। अगर आप कॉम्बिनेशन इन कॉलेजेस के प्रेफरेंस अगर बनाने बैठोगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से मोर देन 300 ऑप्शंस आप लोगों के पास आपके डैशबोर्ड में दिखेंगे। 300 ऑप्शंस अगर आपको दिख रहे हैं, आप एक टॉप स्कोरर हो, आपने किसी की प्रेफरेंस शीट उठाई और उसको ऐसे कैसे भर दिया, आपको अगर नीचे के कॉलेज अलॉट हो गए या फिर आपको 16 या फिर 50 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, अब आपको अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के लिए अगली बार अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेडेशन में आप लोगों को हो सकता है कि ऊपर के 3 कॉलेज और ऊपर का मिल जाए, या फिर 2 कॉलेज और ऊपर आप अपने नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाए। ये भी हो सकता है कि सेम वही कॉलेज एज इट इज आप लोगों का नेक्स्ट राउंड में भी रिफ्लेक्ट करे। ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि हर बार अपग्रेडेशन होगा। तो अगर आपको सीट एक्वायर करनी, अगर आपका एक अच्छा रैंक आया है, अपने आपके अच्छे स्कोर आए हैं, चूज योर कोर्सेज वाइजली, चूज योर कॉलेजेस वाइजली, और बाकी जो स्टूडेंट है जिनका लो स्कोर आया है वो ये सब चीजें कर सकते हैं टू गेट एन एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन नेक्स्ट राउंड के अंदर आप अपग्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, अभी आप अपने हिसाब से जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, जिस कोर्स में आपने मेंशन करा था, जिस कोर्स में आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले उस कॉलेजेस की टॉप टू बॉटम अपने प्रेफरेंसेस देख लो कि सबसे नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज है, नंबर 2 पे कौन सा कॉलेज है, मेरा कौन सा कोर्स है, उसका कोर्स का नाम और टॉप कॉलेज, कोर्स का नाम सेकंड टॉप कॉलेज, कोर्स का नाम थर्ड टॉप कॉलेज। बहुत इजी सा प्रोसेस है यार, क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, बहुत प्यार से करोगे आप लोग चॉइस फिलिंग, और मैं आप लोगों के लिए टॉप कॉलेजेस की लिस्ट लेके आने वाला हूं, आप उसको देख के चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हैं, ठीक है। सो मेक योर ओन प्रेफरेंस, उसके हिसाब से ही अपग्रेड का ऑप्शन आप लोगों को नेक्स्ट राउंड में मिलेगा, ठीक है। अगर सभी एक जैसी प्रेफरेंस भर देंगे तो भाई हाइप बन जाएगी टॉप कॉलेजेस की। तो मैं ये बोलूंगा अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करो, स्मार्ट चॉइस फिलिंग करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।